जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैं रिपोर्ट कार्ड दे रही हूँ। रिजल्ट तो पहले सुना दिए थे, रिपोर्ट कार्ड थोड़ा बाद में दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं और उसे हमें भरना पड़ता है। और बच्चों को रिपोर्ट कार्ड के साथ टॉप 5 में जो भी बच्चे आए थे उनको मैं एक एक पेन दी थी। वर्षा कुमारी फर्स्ट टाइम है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है ना, पढ़ने लिखने के लिए ये सब दिए। और सभी बच्चे पास हो गए हैं, आप सबको भी रिजल्ट अभी देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरीके से आते हैं। ये खाली वाले हैं, मैं खाली वाला दिखला रही हूँ इसलिए कि इसमें बहुत सारे बच्चों के कॉलम, मतलब कि उनके जो डिटेल्स होते हैं वो होते हैं, इसलिए मैं खाली वाला दिखला रही हूँ। और ये कुछ अंदर से नंबर भरने के लिए है इस तरीके से। और जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये बच्चों के लिए किताब आ चुके हैं। तो रिजल्ट जिस तरीके से कि मैं दिखलाई उसको अभी भरना है, क्योंकि क्योंकि जो कॉपी करेक्शन मैं बार बार बोल रही थी, तो कॉपी करेक्शन हुआ और उसका जो जो नंबर जो मिला था तो वो आ चुका है। और रिपोर्ट कार्ड जो मैं दिखलाई उसमें अब क्या करना है, उसको भरना है। और बच्चे आ रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है बच्चे अपना न्यू क्लास में जाने के लिए। ये लोग बार बार पूछ रहे कि हम लोग किस क्लास में बैठेंगे, 5 में बैठेंगे, 4 में बैठेंगे, अपने अपने क्लास को वे लोग जाना चाह रहे हैं। तो उनका एक्साइटमेंट मैं जब क्लास में जाऊंगी तब दिखलाऊंगी आप सब उनको, ठीक है। घर में जो साफ की थी वो स्पाइडर प्लांट लेकर के आई हूँ। देखिए ये बच्चा लगा रहा है, आयुष नाम है इसका। चलो अलेक ये भी एक पौधा लगा रहा है। तो इस तरीके से बच्चे न्यू क्लास में गए तो एक पौधा रोप रहे हैं, है ना। मेरा घर से ठिकाने में भी बच गया और विद्यालय में लग भी गया। और इधर बच्चे लोग पकड़े हुए हैं। हाँ क्या बोल रहा है बोलो। बच्चे अभी फिर लगा रहे हैं, ये ब्लशम है, जब खिलेगा तब फिर दिखलाएंगे। कौन सा क्लास हुआ? हाँ तो ये हमारे बच्चे हैं, नए बच्चे, न्यू सेशन में, न्यू क्लास में बच्चे पास होकर के आए हैं। हाँ तो ये सब 6 क्लास के बच्चे हैं, है ना। और कैसा लग रहा है नए क्लास में आके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नया अनुभव लग रहा है। तो मैं क्लास 6 की क्लास शिक्षिका हूँ और ये हमारे नन्हे मुन्हे बच्चे। और आज ये लोग पहली बार क्लास 6 में आए हैं ना, 5 क्लास से। हाँ कहाँ कौन कौन नजर आ रहा है भाई, आ रही है कि नहीं? हाँ लाइट कट गया तो अंधेरा दिख रहा है। कुल टोटल कितने बच्चे हैं? 22 आया है, प्रेजेंट हुआ है 22, लेकिन क्लास में टोटल एनरोलमेंट कितना है? 28। तो टोटल 28 बच्चे आए हुए हैं 5 क्लास से 6 क्लास में। और कुछ बच्चे अभी हमारा जो पोषक क्षेत्र कहलाता है वहाँ से कुछ बच्चे आएंगे। एक तो इधर सिरकीटार पड़ता है और एक इधर में क्या, कौन सा गांव पड़ता है, पिपरा बेड़ा, पिपराडी, पिपराडी स्कूल से कुछ बच्चे आएंगे। तो कम से कम 5-6 बच्चों की संख्या और बढ़ेगी, 28 में और 5-6 जोड़िए, चाहे 10 तक भी आ सकता है। आज बच्चे पहली बार आए हैं तो इनका ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बच्चों का परिचय होगा। कि हालांकि बच्चों को मैं 1 क्लास से जानती हूँ लेकिन पहली बार 6 क्लास में आए हैं तो उनका परिचय होना जरूरी है। मैं ये बतला दूं कि ये बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये बच्चा पहले पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, अभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आया है। ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है? हाँ इसका नाम दीपक है। ये मतलब कि बोल नहीं सकता है, ऐसे कर दो, हाँ बोल नहीं सकता है लेकिन पढ़ने में ठीक है। मेरा नाम है रौनक कुमार। जोर से बोलो। मेरा नाम है रौनक कुमार। और इस तरह से सबों का तो मैं नहीं दिखलाऊंगी लेकिन इस तरह से बच्चों का परिचय होगा, अभी उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। जी आवाज में बोलो। फसलों के सारे के आगे हुए जाता है लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी,
इसको। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा ही बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में रही बच्चा आज ईद लोग के उठे के नाम। आज बच्चे पहली बार छठे क्लास में आए हैं और जो रीडिंग कर रहे हैं, बहुत कोई तो जान गए होंगे कि फाइव क्लास के किताब को पढ़ रहे हैं। तो बतलाने कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो पुरानी किताब होती है उसको जमा करते हैं। तो आज फर्स्ट डे है, बच्चे वही किताब लेकर के आए हैं, तो मैं सोची कि उनसे थोड़ा रीडिंग करा के देखती हूँ। तो वही बच्चे रीडिंग कर रहे हैं और इसके बाद नई किताब उनको मिलेगी। आने की खुशी का इजहार करते हैं उत्तर प्रदेश करीने से गुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग। मेरा ये दिखलाने का मतलब ये है कि बच्चों को यदि सही गाइडलाइन दिया जाए तो बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं और बहुत से बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो जिस तरीके से मैं दिखलाई, ऐसा बात नहीं कि सारे बच्चे इसी तरह से धड़ल्ले पढ़ते हैं, कुछ बच्चों पर हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। ये फूल जो है हमारे विद्यालय में पहली बार खिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखला रही हूँ, क्योंकि इस फूल का हमें भी बहुत दिन से इंतजार था। जिस तरीके से आप लोग आज देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को, इसके पहले मैं दिखलाई कि रिजल्ट, मतलब कि इन लोगों को न्यू क्लास मिल गया है और आज जो है इन बच्चों को नई किताब भी मिल गई है। तो आप लोग देख सकते हैं सरकार जो है बच्चों के प्रति कितने सतर्क हैं और न्यू सेशन में सारे बच्चों को नई किताब मिल गई है। और कैसा लग रहा है, पढ़ोगे कि नहीं, पढ़ोगे कि नहीं, सो बतलाओ। मन लगा करके क्या करना है, पढ़ना है। न्यू सेशन के लिए लाइब्रेरी के पहले से भी किताब है, लेकिन ये नए सेशन में कुछ किताबें आई हुई हैं, उसमें से एक है गांधी जी के आश्रम में और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, साथ सबको मैं नहीं दिखला रही हूँ, ठीक है ना। और 29 मई से लेकर के आज 4 जुलाई हो गया और बच्चों का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। रिजल्ट कॉपी करेक्शन हो गया, नहीं पहले एग्जामिनेशन, रिजल्ट कॉपी करेक्शन, उसके बाद में रिजल्ट, और आज 4 जुलाई है, बच्चों को नई किताब भी मिल गई नए सत्र में। तो बच्चों से ही सुनिए कि वे क्या कहते हैं एक बार फिर से। क्या करोगे, मन लगा के पढ़ोगे ना? हाँ, तो बोल दो यस मैम, केवल नहीं कि हम लोग साल के शुरू से ही मन लगा करके पढ़ेंगे, बोलो। हाँ, ये बुलंदी आवाज में बोल रहे हो ना, सुनाई पड़ रहा है? हाँ, कुछ बच्चे लोग पब्लिक स्कूल से आए हैं तो तुम लोग पढ़ोगे ना? जी हाँ, सुधार करना है, ठीक है ना? ठीक है। किसी भी काम को करने के पहले रजिस्टर वर्क किया जाता है, तो बच्चों से सिग्नेचर ली जा रही है। और ये जो है कोरोना काल में जो पैसा नहीं आ पाया था, उसी का यूनिफॉर्म अभी बच्चों को दी जा रही है। हिमांशु, दूसरा बोलिए मैडम, नाम क्या है? अच्छा, एक मिनट मैडम ना, बच्चों को नई किताब और ये रिजल्ट, नई क्लास के साथ साथ आज जो है नई ड्रेस, दिखाओ दिखाओ, उठाओ उठाओ, ऐसे उठा ना। तो ये इन लोगों का नया यूनिफॉर्म मिल रहा है और जूता भी मिलेगा, तो है वो पिछला साल मिलना था ना। अच्छा, कोरोना के चलते डिले हुआ। चलो सबको नया नया पहन के आएगा, है ना। अभी क्या दे रहे, स्वेटर? अब ये क्या है, स्वेटर? अच्छा, अभी स्वेटर, यूनिफॉर्म पहले मिल चुकी थी, अभी स्वेटर मिल रहा है सभी बच्चों को। हाँ, तो सब पहन के आना, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलो नीचे कर दो। और ये सब बच्चों के साइज के हिसाब से जूता आए हुए हैं, है ना। चलो
लो ले लो, ठीक से रखना, हराना नहीं तो खाने समझ जाएगा। ठीक है, बच्चों को रिजल्ट, नई किताब और नए क्लास में गए बच्चे, तो बैग भी मिला। और जिस दिन बैग बटा था उस दिन मैं नहीं आई थी, आज दूसरे दिन है तो आज कुछ बच्चे जो बच गए थे उनको मिला है। तुम लोग को मिल गया है ना बैग? हाँ ठीक, मिला है ठीक। स्कूल का जितना भी मैं दिखलाई आप सबों को है ना, तो गुड मॉर्निंग। और कहना चाहिए ये जो ब्लॉग है वो कई छोटे छोटे पार्ट्स में मैं कुछ क्लिप निकाली हूँ और उसे तैयार की हूँ, क्योंकि एक दिन का नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत कुछ देती है ना, जिसे कि मैं आप लोगों को बतलाना चाहती थी। और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे जो नए फ्रेंड्स है वे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेगा किसी नई कहानी के साथ, नहीं किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय।